हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मुगल साम्राज्य का उत्थान तथा उसके अधीन जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे थे उनके प्रारंभिक जीवन तथा उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य जो किए गए थे उसके विषय में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बाबर से लेकर के अकबर तक के प्रारंभिक जीवन तथा उसके द्वारा कार्यों की चर्चा करूंगी। ये मेरा वीडियो जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि मेरा यह प्रयास रहा है कि जितने भी प्रमुख बिंदु रहे हैं हर एक शासक के अधीन उसका समावेश मैं अपने इस वीडियो में कर सकूं। यदि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो एक पॉइंट के अधीन जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है उसको मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे यदि हम मुगल एम्पायर इन इंडिया के विषय में बात करते हैं तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि लंबा एक काल रहा था भारतीय इतिहास में, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बाबर, हुमायूं और अकबर के द्वारा दिया गया था। हालांकि बाबर का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत छोटा ही रहा था, परंतु फिर भी बाबर के कारण ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो पाई थी। और इस कारण बाबर का कार्य सबसे उल्लेखनीय हो जाता है, क्योंकि उसी के शासनकाल के समय में सही मायनों में मुगल साम्राज्य की स्थापना संभव हो पाई थी। अगर बाबर के द्वारा कार्य किया ही नहीं जाता या साम्राज्य को स्थापित किया ही नहीं जाता तो हम मुगल साम्राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ मुगल साम्राज्य के शासकों के विषय में तो उनमें महत्वपूर्ण है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी बाबर, हुमायूं और अकबर के विषय में। आप लोगों से एक आग्रह है कि कृपा कर वीडियो के एक एक जो पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं उसे ध्यान से सुने। हर एक बिंदु से रिलेटेड जितने भी प्रश्न कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको मैंने अपने इस वीडियो में डाला है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को अपने कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी में मदद पहुंचाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बाबर के विषय में चर्चा करूंगी। बाबर को जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे याद किया जाता है। यदि इसके शासनकाल के विषय में बात की जाए तो ये 1526 से 1530 तक रहा था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और जिस स्थान पे हुआ था उसका नाम फरगना है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था तथा उनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम रहा था। बाबर के शरीर में अपने पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से वीर तैमूर का तथा अपनी माता कुतलुग निगार खानम की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां का रक्त प्रभावित हो रहा था। उसका कुटुंब जो था वो तुर्की जाति से आते थे या तुर्क जाति को बिलोंग करते थे और जो चगताई वर्ग था उसके अधीन जो इनका वंश रहा था वो रहा था। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं बाबर के विषय में कि उसने कौन सी उपाधि सबसे पहले ग्रहण की थी शासक बनने के पश्चात, तो 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि फरगने की जो राजधानी थी अंदीजाना थी और यहाँ पर बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की 1439 ईस्वी में काफी यहाँ पे उनका जो है हम कह सकते हैं कि वर्चस्व भी रहा था इस क्षेत्र में। आगे यहाँ पे उनके यदि हम दादी के विषय में बात करें तो उनका नाम था एहसान दौलत बेगम। बाबर के पुत्रों के विषय में यदि बात करें तो उसके चार पुत्र रहे थे हुमायूं, कमरान, अस्कारी और हिंदाल, जिसमें कि आगे हम देखते हैं कि जब हुमायूं शासक बना था तो जो उसके तीनों भाई रहे थे वो लगातार उससे ही संघर्ष करते रहे थे। 1512 ईस्वी में बाबर ने ईरान के शाह सफवी की सहायता से हम देखते हैं कि उसने अंतिम बार समरकंद, बुखारा, खुरासन पर अधिकार कर लिया था। यदि हम बाबर के विषय में बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि शासक बनने के पूर्व उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पहली बार जो उसका आक्रमण हुआ था वो 1519 ईस्वी में हुआ था और ये यूसुफजाई जाति के विरुद्ध रहा था। सेकेंड अभियान यह आक्रमण जो बाबर का रहा था वो सितंबर 1519 ईस्वी में रहा था और यह भी यूसुफजाइयों के खिलाफ ही रहा था। 1520 में बाबर ने थर्ड बार आक्रमण किया था जिसमें उसने बजौर तथा भेरा, सियालकोट और कंधार पर अपनी विजय हासिल की थी। चौथा आक्रमण बाबर का कंधार के अभेद दुर्ग को विजित करने का रहा था।
तथा 1526 में बाबर ने लाहौर की सेना तथा बदख्शां की सेना, जो हुमायूं के अधीन रही थी, लेकर आक्रमण किया था। इससे डर कर दौलत खान ने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। और लास्टली जब हम देखते हैं कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध बाबर का हुआ था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित करते हुए भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जैसा कि हम यहाँ पे यदि हम चर्चा करें बाबर के जो मिलिट्री अचीवमेंट्स के विषय में, यदि यहाँ पे इसकी चर्चा की जाए कि बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ क्यों सफलता मिली, एक आक्रमणकारी होने के बावजूद भी भारत पर बाबर जो है आक्रमण करने में क्यों इतना सफल हुआ था, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहा था जो मिलिट्री टेक्निक्स और आर्टिलरी का जो उपयोग उसके द्वारा किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाबर के सफलता में। और यहाँ उसके द्वारा जो युद्ध में उपयोग में लाया गया था तोपखाने तथा तुलगमा विधि का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ये याद रखने योग्य भी बात है कि इसने बाबर को युद्ध में सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 मई 1526 को बाबर ने आगरा में प्रवेश भी किया था और सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में रुका भी था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें आगे बाबर के विषय में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि बाबर का जब भारत में लगातार जब उसका रहना यहाँ पे प्रारंभ हुआ, जो पानीपत का युद्ध के पश्चात, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि आगरा में हुमायूं ने बाबर को राजकोष के साथ एक हीरा भी प्रदान किया था, और यह हीरा कोहिनूर रहा था। यदि हम यहाँ पे कोहिनूर के विषय में बात करें, तो इसका मूल्य जो था वह संपूर्ण संसार के आधे दिन के व्यय के बराबर रहा था। तो यहाँ पे ये कोहिनूर हीरा के यदि हम इतिहास के विषय में भी बात करें, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बाबर के आगमन के साथ में भारत में कोहिनूर का इतिहास भी जो है यहाँ पे ये बदलने वाला था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बाबर के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि इस युद्ध में विजय के बाद काबुल ने प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का प्रदान किया था। इस उदार वितरण के परिणाम स्वरूप उसे कलंदर का खिताब भी मिल गया था। यहाँ पे बाबर के द्वारा जो ये कदम उठाया गया था कि वो जितने भी सिक्कों का यहाँ पे बंटवारा कर रहा था या बांट रहा था लोगों के बीच में, इसके पीछे उसकी मंशा यही रही थी, क्योंकि वो आक्रमणकारी था और यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, तो उसका ये सोचना था कि धन के वितरण के साथ लोग उसके साथ हो जाएंगे, और इसी के वजह से वो लगातार धन जो है लोगों के मध्य में वितरित भी कर रहा था। और बिल्कुल उसके पास में राजकोष में कुछ भी धन नहीं के बराबर या ना के बराबर बचा था, जिसके पश्चात उसे कलंदर भी कहा जाने लगा था। यहाँ पे यदि हम पानीपत के युद्ध के पश्चात अन्य जितने महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे बाबर के शासनकाल में, उसकी हम चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध जो रहा था वह खानवा का युद्ध रहा था। और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था। यहाँ दो इम्पॉर्टेंट उल्लेखनीय जो विशेषता हम कह सकते हैं या याद रखने योग्य बात है यहाँ खानवा के युद्ध के विषय में, तो वो ये रहा था कि उसने जेहाद का नारा दिया था और साथ ही साथ गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ये दोनों ही कार्य जो उसके द्वारा किया गया था, ये सैनिकों को प्रेरित करने के लिए किया गया था, क्योंकि बाबर के जितने जो सैनिक रहे थे वो लगातार आक्रमण के कारण थक भी गए थे, और उनको प्रेरित करने के लिए कि आगे जितने भी सैनिक है वो उसके साथ में जुड़े रहें, इसी वजह से उसने जिहाद का नारा दिया और साथ ही साथ गाजी की जो उपाधि है वह भी धारण की थी। यदि खानवा के युद्ध के पश्चात अन्य युद्धों की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था वह चंदेरी का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब लड़ा गया था इसकी हम यदि चर्चा करते हैं, तो यह 1528 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध जिसके बाद हम कह सकते हैं कि फाइनली भारत पर बाबर का जो है वर्चस्व वो स्थापित हो गया था, वह था घाघरा का युद्ध। और ये जो लड़ाई हुई थी इस युद्ध की, वह डेट जो है वह 6 मई 1529 का रहा था। तो लगातार हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इतने छोटे ही कार्यकाल में, जो कि 1526 से 1530 का रहा था, इसमें बाबर के द्वारा लगातार युद्ध ही लड़े गए थे, जिसके वजह से भी उसकी तबीयत भी बिगड़ती चली जा रही थी। और बाबर की मृत्यु जो अंततः हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 1530 को हुई थी।
तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट एक डेट है याद रखने के लिए कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं उसके विषय में कि उसकी जो मृत शरीर रही थी पहले यमुना के किनारे आगरे के रामबाग में दफनाया गया था, किंतु बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। तो यहाँ पे ये याद रखने का है योग्य बात कि जो यहाँ पे यमुना जो है यमुना के किनारे आगरा के पास में स्थित जो रामबाग था वहाँ पे उसे यहाँ पे दफनाया गया था, और बाद में जो उसके मृत शरीर था उसे ले जाया गया था काबुल, और वहाँ पे उसे जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि उसका जो मृत शरीर है पहले उसे आगरा के निकट रामबाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसके मृत शरीर को काबुल में दफनाया गया था। उल्लेखनीय योगदान बाबर का न सिर्फ युद्धों में रहा था बल्कि हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी रहा था। उसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसे हम तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे यदि उसके ट्रांसलेशन के विषय में हम बात करते हैं तो बाबर का जो एक लिखित पुस्तक था वो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, परंतु बाद में से अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया करवाया था या किया था। बाद में यदि हम चर्चा करें बाबर के व्यक्तित्व के विषय में तो जो इतिहासकार हैं फेमस हेवल उनके द्वारा बाबर को इस्लाम के इतिहास में सबसे आकर्षक व्यक्ति कहकर पुकारा गया है। यदि जो यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क के विषय में तुजुके बाबरी की हम बात करते हैं तो सबसे सटीक जो ट्रांसलेशन किया गया था वह श्रीमती बेवरिज के द्वारा किया गया था। यहाँ पे यदि हम बात करें उनके विषय में बाबर के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसके विषय में तो बाबर की आत्मकथा के विषय में एफिल स्टेन ने लिखा है कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाने वाला यह अकेला ग्रंथ है। साथ ही साथ यहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि पद की रचनाओं में बाबर द्वारा किया गया संकलन दीवान था जो तुर्की पद में श्रेष्ठ माना जाता है। पद में उसने एक नवीन मुबैया शैली का भी आविष्कार किया था जिसे उसने बाबरनामा लिखते के दौरान ही प्रयोग में लाया था। उसकी अन्य रचनाओं की यदि हम बात करें तो उसमें रिसाल ए उसज भी रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम यह भी देखते हैं कि उसके द्वारा जो है यह लेखन शैली को नवीन इसमें माना गया है जिसे बाद में हम खत ए बाबरी भी पुकारा गया है। यहाँ पे जो है उसका जो ट्रांसलेशन जो वर्क रहा था उसका जो अन्य उसने जो कार्य करवाए किए थे लेखन कार्य में उसमें खत ए बाबरी भी आता है। उसके द्वारा न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में बल्कि पेंटिंग और शिल्प कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसका अभूतपूर्व योगदान रहा था। उसने अपने साथ में जो एक फेमस पेंटर था बिजहाद उसे भी अपने साथ में उसने लाया था जिसे पूर्व का रफेल कह के पुकारा जाता है। बाबर की यदि हम उपलब्धियों के विषय में बात करते हैं शिल्प कला के क्षेत्र में तो बाबर को ग्वालियर की शिल्प कला ने बहुत अधिक प्रभावित किया था, और उसने मानसिंह और विक्रमाजीत के महलों को अनुपम बताया था। कहा जाता है कि उसने भारतवर्ष में मस्जिदों के निर्माण हेतु कॉन्स्टेंटिनोपल से प्रसिद्ध शिल्पकार शिनान के शिष्यों को आमंत्रित किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बाबर के द्वारा निर्मित जो छोटे भवन रहे थे और तथा इन भवनों में यदि हम बात करें कि कौन कौन से उल्लेखनीय रहे थे तो वह रहा था पानीपत की काबुली बाग में स्थित मस्जिद, दूसरा संभल की जामा मस्जिद, और तीसरा आगरे के किले के अंदर निर्मित मस्जिद। उसके काल की एक अन्य मस्जिद जो रही थी वह अयोध्या में बनाई गई थी जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि बाद में जो शिल्पकार रहे थे सम्राट की आज्ञा से अबुल बाकी एवं मीर बाकी ने इसे बनवाया था। यदि हम बाबर के अन्य योगदानों के विषय में बात करें तो उसके द्वारा जो है सिक्के भी चलवाए थे जिसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट रहे थे, एक था शाहरुख और दूसरा बाबरी। तो बाबर के विषय में यदि हम बात करें तो उसका कार्यकाल भले ही बहुत छोटा रहा हो परंतु फिर भी हम यह देखते हैं कि उसके द्वारा सभी ही क्षेत्र में योगदान दिया गया था, या वो शिल्प कला हो, स्थापत्य कला हो, पेंटिंग हो, मुद्रा प्रणाली हो या प्रशासनिक प्रणाली हो, हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि बाबर के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। शायद इसी वजह से हुमायूं को आगे चल करके बहुत अधिक परेशानी नहीं हुई प्रशासनिक तंत्र को स्थापित करने में। हालांकि माना यह जाता है कि हुमायूं जब शासक बना तो उस समय राजकोष भी खाली था और जो प्रशासनिक तंत्र थी वो बहुत अच्छे प्रकार से स्थापित नहीं थी, जिस वजह से हुमायूं को असफलता भी देखनी पड़ी थी।
बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना था। यदि हम इसके शासनकाल के विषय में बात करते हैं तो यह 1530 से 1540 का रहा था और 1555 से 1556 तक का रहा था। बीच में जो हम ये इंतराल या इंटरवल जो देखते हैं वो इसलिए रहा था क्योंकि हुमायूं का लगातार शेरशाह से संघर्ष हुआ था। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शेरशाह के शासनकाल भारत पे जिस समय में रहा था उस समय हुमायूं जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो लगातार यहाँ से वहाँ तक भटकता रहा था और यही उसके एक महत्वपूर्ण असफलताओं का कारण भी बना था। यदि हम हुमायूं के जन्म के विषय में बात करें तो उसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। यदि हुमायूं के शब्द के अर्थ के विषय में हम बात करें तो हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, परंतु यहाँ पे हम ठीक इसके विपरीत देखते हैं कि वो कभी भी उसका भाग्य साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी शासक बनने के पश्चात, तो उसने बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हुमायूं के जो है तीन भाई और रहे थे, उनमें से पहला जो रहा था भाई कमरान, उसको उसने काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था, मिर्जा अस्कारी को संभल और मिर्जा हिंदाल को उसने अलवर एवं मेवात की जो क्षेत्र थे या जागीर प्रदान किए थे। हुमायूं के विषय में यदि हम बात करते हैं तो उसने 1533 में दीन पन्हा का निर्माण भी करवाया था। उसने अपने 10 वर्ष के शासनकाल के पश्चात ही उसे 15 वर्ष तक निष्कासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। 1556 को दीन पन्हा में स्थित उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अफीम का सेवन जो करना रहा था हुमायूं के द्वारा वो बहुत अधिक किया जाता था, जिस वजह से हुमायूं की असफलता का इसे बहुत बड़ा एक कारण भी माना जाता है। हुमायूं को ज्योतिष विद्या से खासा लगाव रहा था। वह 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पूरे वीक के दौरान पहनता था। उसके यदि हम युद्धों के विषय में बात करते हैं तो फर्स्ट उसका जो युद्ध हुआ था वह कालिंजर के साथ में हुआ था 1531 में, तथा इसके जो शासक रहे थे वो प्रताप रुद्र देव रहे थे। 1532 में दौरिया का युद्ध हुआ था। इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि 1532 में फिर से चुनार का प्रथम घेरा हुआ था जिसमें उसका युद्ध शेर खां के साथ हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका संघर्ष 1535 से 1536 के मध्य बहादुर शाह से संघर्ष हुआ था जो गुजरात के शासक रहे थे। 1539 में शेर खां के साथ उसका फिर से युद्ध हुआ था जिसे हम चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, तथा बाद में उसका युद्ध कन्नौज तथा जो बलग्राम के युद्ध के नाम से हम जानते हैं ये 1540 में पुनः शेर खां के साथ में लड़ा गया था। यदि हम हुमायूं के असफलताओं के विषय में बात करें तो भाइयों का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की थी। उसके जो भाई थे वह अस्कारी, हिंदल और कमरान थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हुमायूं का जो है एक बीच में एक इंटरवल आया था उसके पूरे शासनकाल के दौरान, और 1540 से 1555 तक उसने निर्वासित जीवन ही व्यतीत किया था और भागकर ईरान चला गया था। 1555 के प्रारंभ में उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 15 मई 1555 में मछिवाड़ा के युद्ध में विजय हासिल कर पंजाब पर अधिकार कर लिया था, तथा बाद में 22 जून 1555 के सरहिंद के युद्ध में उसने सिकंदर सूर को परास्त कर अफगानों की सत्ता को भारत में सदैव के लिए उखाड़ दिया था। हुमायूं के शासनकाल में यदि हम पेंटिंग, स्थापत्य कला और साहित्य के क्षेत्र में यदि कार्यों के विषय में बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि हुमायूं के शासनकाल में मिर्ज़ा हैदर दौगलत ने तारीख़े रशीदी नामक फारसी ग्रंथ लिखी थी, तथा यहाँ पे गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं की बहन थी उसने हुमायूं नामा लिखा था। हमें उल्लेख मिलता है एन ई अकबरी में कि उस समय में हुमायूं के शासनकाल के समय में ही जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे उनमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद का नाम आता है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें अन्य जो है 15 प्रसिद्ध चित्रकारों का नाम भी हमें इसमें प्राप्त होता है मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ में। यदि यहाँ पे हम चर्चा करते हैं स्थापत्य कला के विषय में तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि हुमायूं के शासन काल में आगरे का मस्जिद तथा दूसरा भवन पूर्वी पंजाब के हिसार जिले के फतेहाबाद में
एक बहुत ही बड़ी और अच्छे अनुपात में निर्मित मस्जिद जो है वह बनवाई गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही उसके शासनकाल के समय एक अंतराल आया था, जिस समय भारत में अफगान शासन स्थापित हो गया था। और इनमें सबसे उल्लेखनीय जो शासक रहे थे वो शेरशाह था। यदि हम इसके शासनकाल के विषय में बात करते हैं तो ये 1540 से 1545 तक का रहा था। शेरशाह का जो प्रारंभिक नाम था वह फरीद खां था, तथा उसका पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम बिहार के जागीरदार थे। फरीद खां के जन्म के विषय में यदि बात करें तो उसका जन्म 1472 में फिरोजा हिसार में हुआ था। अपनी विमाता से तंग आकर के वह 22 वर्ष की अवधि में भागकर जौनपुर चला गया था। कुछ समय के लिए फरीद खां ने बिहार के शासक मुहम्मद शाह लोहानी के यहाँ नौकरी भी की थी। एक दिन वह मुहम्मद शाह के साथ आखेट पर गया था, तथा उसने अपने तलवार से एक ही वार में एक शेर को मार डाला था, जिस वजह से शेर शाह को उसके सर्वोत्तम वंश के शासक के तौर पे भी याद किया जाता है, और उसे शेर खां की पदवी भी प्राप्त हुई थी। 5 वर्ष के अल्प शासन के दौरान उसने भारत की एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रदान की थी जिसका अनुसरण आगे आने वाले सम्राटों ने भी किया है। शेरशाह के यदि हम अंतिम अभियान के विषय में बात करते हैं तो वह कालिंजर के किले के विरुद्ध रहा था। घेरे के दौरान तोप फट गई थी, जिससे शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया था, और वहीं 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, शेरशाह की जो मृत्यु है वह 22 मई 1545 को हो गई थी। यदि हम शेरशाह के प्रशासनिक तंत्र के विषय में बात करते हैं तो इसमें सुल्तान का जो पद रहा था वो सर्वोपरि होता था, तथा यहाँ पे शेरशाह के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसके अधीन कई मंत्री भी रहा करते थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से जितने महत्वपूर्ण जो विभाग रहे थे और जो मंत्री रहे थे उसकी चर्चा आप लोगों से करूंगी। दीवान ए वजारत जो था यह अर्थव्यवस्था और लगान का प्रधान रहा था। इसका मुख्य कार्य राज की आय और व्यय की देखभाल करना था। दूसरा विभाग जो रहा था वह दीवान ए रसालत का रहा था, जिसमें हम यह देखते हैं कि विदेशिक जितने भी संबंधित जो मामले रहे थे उसका यहाँ पे और दान की देखरेख उसके द्वारा किया जाता था। एक इम्पॉर्टेंट विभाग जो है मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया है, वह है दीवान ए अरीज का। इसका कार्य होता था सेना का संगठन, भर्ती, शिक्षा की देखभाल करना, तथा अरीजी ममालिक जो रहते थे इसके प्रधान होते थे, या इसे दीवान ई ममालिक भी कहा जाता था। नेक्स्ट विभाग या इम्पॉर्टेंट जो रहा था वह दीवान ए इंशा का रहा था। वह सुल्तान के आदेशों की घोषणा करना, लेखा विभाग इसी मंत्री के अधीन रहा करता था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो विभाग जो रहा था वह रहा था गुप्तचरों का, और दीवान ए बरीद जो था यह इसकी देखरेख करता था। वह राज्य की डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर विभाग की देखभाल किया करता था। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं न्यायिक व्यवस्था की तो दीवान ए काजा जो थे वह इस विभाग के प्रधान रहा करते थे। शासन व्यवस्था में शेरशाह ने प्रांतीय व्यवस्था पर भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शेरशाह ने प्रांतीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे सूबा या इक्ता के रूप में विभक्त किया था। सूबे के प्रधान को हाकिम, अमीन अथवा फौजदार कहा जाता था। पंजाब के हाकिम हैबत खां को उसने मनसब ए आलम की उपाधि दी थी। सूबों को फर्दर जो हम है देखते हैं कि उसे विभक्त किया गया था सरकार में, और सरकार के दो प्रमुख अधिकारी रहा करते थे, जिसमें पहला था शिकदर ई शिकदारा, जिसका कार्य होता था सैन्य जितने भी कार्य होते थे उसकी देख रेख करना, तथा दूसरा जो रहा था वह मुनसफ ए मुनसिफा था, या जो दीवानी जितने भी मुकदमे होते थे उसका निष्पादन इसी के द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि फौजदार की भी नियुक्ति की जाती थी और कारकुन की भी नियुक्ति की जाती थी। सरकार कई परगनों में विभाजित किए जाते थे। परगनों का शासन एक मुनसिफ, एक फौजदार और दो कारकुन किया करते थे। शासन की यदि हम छोटे सबसे छोटे इकाई की बात करते हैं तो वो ग्राम या गांव रहा करता था।
सैन्य व्यवस्था की ओर भी बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें शेरशाह का भूमिका रहा था। शेरशाह ने एक शक्तिशाली एवं अनुशासित सेना की व्यवस्था की थी। उसकी सेना में अधिकतर जितने भी सैनिक थे वो अफगान थे। उसने सैनिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। सेना का प्रत्येक भाग एक फौजदार के अधीन रहा करता था और शेरशाह ने घोड़े को दागने की भी प्रथा आरंभ की थी। शेरशाह का जो योगदान रहा था सैन्य व्यवस्था में, वह हमें यह देखने को मिलता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा उसने प्रारंभ किया था ताकि जो घोड़े प्रदान किए जाते थे राज्य की तरफ से उसे बदला नहीं जा सके। साथ ही साथ उसने पुलिस एवं गुप्तचर विभाग के भी संरचना तथा इसको स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शांति व्यवस्था के लिए उसने पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जिसमें हम देखते हैं कि शिकों के प्रधान को शिकदर कहा जाता था, परगनों के जो शिकदर तथा गांव में मुकद्दम इसके प्रधान हुआ करते थे। पुलिस का कार्य ही होता था कि पूरा जो साम्राज्य में सुव्यवस्था को कायम रखना। शेरशाह के द्वारा न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया था। शेरशाह की न्याय व्यवस्था उच्च कोटि की रही थी। अपराधी चाहे जिस भी वर्ग का हो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। फौजदारी मुकदमों का फैसला शिकदरे शिकदरा करता था तथा दीवानी मामलों के जितने भी संबंधित मुकदमों का फैसला मुंसिफ ए मुंसफा के द्वारा किया जाता था। मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में भी शेरशाह के द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। शेरशाह ने सोने चांदी तथा तांबे की अत्यंत ही सुंदर मुद्राएं चलाई थी, जिसका अनुसरण मुगल सम्राटों के द्वारा भी किया गया था। अपनी मुद्राओं पर वह हिंदी एवं फारसी दोनों ही भाषाओं का उपयोग करवाता था। मुद्रा को ढालने के लिए उसने 23 टकसालों की स्थापना करवाई थी, जबकि हुमायूं के शासनकाल में केवल 7 टकसाल रहे थे। उसके द्वारा प्रचलित की गई तांबे की मुद्रा जो रही थी बाद में दाम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। यदि हम भूमि व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो शेरशाह के द्वारा स्थापित भूमि व्यवस्था अत्यंत ही उच्च कोटि की रही थी। उसने भूमि को नापने के लिए तथा भूमि को विभाजित करने का भी कार्य किया था। भूमि को बीघों में बांटा गया था। शेरशाह के द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया था। उसने भू राजस्व की वसूली के लिए तथा भू नापन के लिए पूरे उसको जो जमीन का भू भाग होता था उसे बीघों में विभाजित किया था। भूमि कर को भी निश्चित किया गया था। इसे उपज का 1/3 भाग निश्चित किया गया था। शेरशाह के यदि हम अन्य कार्यों के विषय में बात करते हैं तो उसके द्वारा सड़कों का निर्माण तथा सरायों का निर्माण भी रहा था। शेरशाह ने व्यापार, यातायात एवं डाक सुविधा के लिए अनेक सड़कों एवं सरायों का निर्माण करवाया था। सड़कों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए थे। उसके द्वारा निर्मित सड़कों की यदि हम बात करते हैं तो पहला बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड रही थी, दूसरा आगरा से बरहनपुर तक जाने वाली सड़क, तीसरा आगरा से मारवाड़ तक जाने वाली सड़क और चौथा लाहौर से मुल्तान तक जाने वाली सड़क रही थी। शेरशाह ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों दोनों के लिए ही ठहरने के लिए अलग अलग प्रबंध करवाए गए थे। इन सरायों की देखभाल शिकदर के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया था। अनेक पाठशालाओं को आर्थिक सहायता उसके द्वारा प्रदान की गई थी। प्रत्येक मस्जिद में उसने मकतबों का निर्माण करवाया था। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि शेरशाह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवस्था करवाई थी तथा उसने मकतबों का निर्माण करवाया था। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। शेरशाह के द्वारा कई दानशालाओं का निर्माण तथा औषधालयों का भी निर्माण करवाया गया था। उसके काल में सरकारी भोजनालय का व्यय प्रतिदिन 500 अशरफी का आता था। यदि हम शेरशाह के शासनकाल में साहित्य, कला एवं अन्य जितने भी क्षेत्र रहे थे कला से रिलेटेड, उसके संबंध में बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने
पद्मावत की रचना की थी। इसके अलावा उसने कई इमारतों का निर्माण भी करवाया था, जैसे कि रोहतासगढ़ का दुर्ग, सासाराम का मकबरा तथा जितने भी अन्य, यदि हम बात करते हैं उसके द्वारा कार्य किए गए थे इस क्षेत्र में, तो उसने कन्नौज नगर को बर्बाद कर यहाँ पे शेरशूर नामक नगर का भी स्थापना करवाया था। अब यहाँ पे जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में शेर शाह के काल में क्या प्रगति हुई थी, तो यहाँ पे कई इतिहासकार जो हैं वह यह मानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसे संक्रमण काल की उपाधि से विभूषित किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी, जो पुराने किले की मस्जिद अथवा किला एक कुहना मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि शेर शाह ने मकबरे का भी निर्माण करवाया था, जो कि सासाराम में बनवाया गया था, जिसे हम शेर शाह के मकबरा के नाम से जानते हैं, और ये बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उसने शेरगढ़ का निर्माण करवाया था तथा पुराना किला का भी निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में उसने मुद्रा नीति के लिए भी क्षेत्र में भी विकास किया था, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि उसने एक नए कॉइन का प्रचलन करवाया था, जिसका जो वजन था वह 180 ग्रेन का रहा था और ये शुद्ध चांदी का सिक्का था, जिसे रुपया कहा जाता था। शेर शाह सूरी ने तांबे का भी सिक्का चलवाया था, जिसे पैसा कहा जाता था। नेक्स्ट हम यहाँ पे अकबर के विषय में बात करेंगे। अकबर के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इसे हम मान सकते हैं कि सबसे महानतम मुगल शासकों में से माना जाता है। यदि हम इसके शासनकाल के विषय में बात करें कि कब से कब तक रहा था, तो ये 1556 से 1605 तक रहा था। यदि हम अकबर के जन्म के विषय में बात करते हैं तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था तथा अमरकोट के राजा विरसाल के घर में हुआ था। शायद यही कारण रहा है कि अकबर आगे अपने शासनकाल के दौरान राजपूत नीति को भी अपनाया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसके अकबर के विषय में और अधिक, तो 14 फरवरी 1556 को पंजाब स्थित गुरदासपुर जिले के कलनौर नामक स्थान पे उसने यहाँ पे राजगद्दी पर आसीन हुआ था तथा बैरम खान को अपना संरक्षण भी नियुक्त किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि 14 फरवरी 1556 को वह राजगद्दी पर बैठा था, जो कि 13 वर्ष की आयु में रहा था, तथा कहाँ पे ये राजगद्दी पर बैठा था, तो कलनौर में बैठा था, तथा वो शासक, क्योंकि बहुत कम उम्र रही थी अकबर की, तो इस वजह से बैरम खां को उसका संरक्षक भी नियुक्त किया गया था। बैरम खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था तथा खां ने खाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। यदि हम अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खान के विषय में बात करते हैं तो 4 वर्ष तक शासन की बागडोर उसने अपने हाथ में रखी थी। बैरम खान पर्शिया निवासी सैफ अली खान का पुत्र था। अकबर की स्मरण शक्ति काफी तीव्र थी, किंतु वह जानबूझकर वर्णमाला सीखने को कभी तैयार नहीं होता था। वह इसलिए था क्योंकि जो है वह डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी होती है, जिसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टा पढ़ाई होता है, जिस वजह से उसे कभी भी पढ़ाई लिखाई में रुचि होती ही नहीं थी। संभवतः इस दृष्टिकोण से वह साक्षर भी नहीं हो पाया था। 1551 ईस्वी में हिंदाल की मृत्यु के पश्चात अकबर को 9 वर्ष की अवस्था में गजनी का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र से ही अकबर जो है वह कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया था। परंतु जब अकबर शासक बना, उस समय में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट उसके द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी रहा था, वह पानीपत का दूसरा या द्वितीय युद्ध रहा था, जो 1556 में लड़ा गया था। यह युद्ध अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था। हेमू के सेना के बीच जो ये युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू की सेना के बीच में, यह 5 नवंबर 1556 को हुआ था। युद्ध के आरंभ में हेमू को सफलता मिली थी, किंतु अचानक उसकी आंख में तीर लग गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी और मोर्चा मुगलों ने ले लिया था। हेमू पकड़ा भी गया था, परंतु बाद में हम ये देखते हैं कि अकबर और बैरम खान ने मिलकर उसका वध कर दिया था। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, अकबर के शासनकाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट
युद्ध इसे माना जाता है। अब यहाँ पे यदि हम हेमू के विषय में चर्चा करते हैं तो हेमू के प्रारंभ अकबर के जो शासन काल के प्रारंभ में भी हम देखने को मिलता है कि जिन समस्याओं में वो उलझा रहा था उनमें हेमू की चुनौती सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री रहा था और आदिल शाह ने मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का आदेश दे रखा था। हेमू रेवाड़ी का रहने वाला था, वैश्य जाति से आता था तथा एक अत्यंत ही मेधावी एवं योग्य शक्ति रहा था इसका, या योग्य व्यक्ति भी रहा था ये। वो सर्वप्रथम बाजार में तौल करने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। अंत में वह सम्राट का प्रधानमंत्री बन बैठा था। आगरा में मुगल हाकिम सिकंदर खां तथा दिल्ली के सूबेदार तारदी बेग खां को हराकर हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हेमू ने छोटे से पद पे से उठ करके शासक बनने की ओर अपना कदम उठाया था और बहुत ही अच्छा एक योद्धा भी रहा था, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि हेमू जो है वो अकबर का सामना भी कर पाया था। उसने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। मध्ययुगीन भारत का वह पहला और अंतिम हिंदू प्रधान शासक रहा था। तो यहाँ पे हमें हेमू के संबंध में जो तथ्य याद रखने योग्य है, पहला तो ये कि हेमू जो है वह आदिल शाह का प्रधानमंत्री रहा था, दूसरा कि वह राजा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था और हेमू पहला और अंतिम हिंदू प्रधान रहा था। अब यहाँ पे यदि हम अकबर के शासनकाल के प्रारंभ के विषय में बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत कम उम्र में वह शासक बन गया था, जिस वजह से बैरम खां के पतन के पश्चात हम देखते हैं कि लगभग 4 वर्ष 1560 से 1564 तक अकबर के संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों का बहुत अधिक प्रभाव रहा था। इसी शासनकाल को अनेक इतिहासकारों ने पेटीकोट की संज्ञा दी है, या जिसे हम पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट का अर्थ ही होता है कि जिस समय जो महिलाएं होती हैं या जो हरम होता है वो यहाँ पे शासन चलाता है, और इसी का उल्लेख हमें अकबर के शासनकाल में भी देखने को मिलता है। पेटीकोट गवर्नमेंट में जो सबसे उल्लेखनीय जो व्यक्ति रहे थे, यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो उसकी दाई माँ थी महामंगा, उसका पुत्र अधम खां तथा जीजी अंगा, मुनीम अंगा तथा शियाबुद्दीन अहमद खां विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेखनीय रहे थे। अब यहाँ पे जब अकबर शासक बना उसके पश्चात उसने कई क्षेत्रों पर विजय भी हासिल की थी। यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में विजय के संबंध में यदि बात की जाए तो मालवा विजय जो उसने 1561 में हासिल की थी अकबर के शासनकाल में, वहाँ का शासक बहादुर बाज बहादुर रहा था तथा जिसकी राजधानी सारंगपुर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा उसका विजय इंपॉर्टेंट रहा था वह गुजरात का विजय रहा था। यह 1572 में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर वहाँ के शासक खां आजम मिर्जा को नियुक्त किया गया था। थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर उसने विजय हासिल की थी। अकबर का समकालीन बंगाल का शासक सुलेमान कर्रानी था, जिसका पराजित करके उसने बिहार के दाऊद खां को भी 1774-76 में मुनीम खां द्वारा पराजित किया गया था, जिससे उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासन का अंत हो गया। इसी तरह 1592 में मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के हिंदू राज्य को भी समाप्त कर दिया था। इसके पश्चात यदि हम अकबर के अन्य क्षेत्रों में भी उसके विजय अभियान के विषय में बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उसने काबुल और कश्मीर पर भी विजय हासिल की थी। काबुल का शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम अकबर का सौतेला भाई था। 1585 में उसकी मृत्यु के बाद काबुल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर पर भी उसने विजय 1586 में हासिल की थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य उसके अभियानों के विषय में तो वह राजस्थान का विजय भी रहा था। 1562 ईस्वी में जयपुर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री की विवाह अकबर से करवा दी थी। रणथंभौर के शासक सूरज भान ने भी अकबर का मुकाबला किया था किंतु वह हार गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजस्थान विजय में भी अकबर को काफी सफलता मिली थी और जिस वजह से जितने भी जो राजपूत शासक रहे थे इस क्षेत्र में उन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी और राजपूत नीति का अनुसरण जो प्रस्तावित था अकबर के द्वारा उसे अपनाया भी था। अकबर के शासनकाल के यदि हम युद्धों की चर्चा करें तो उसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था।
महाराणा प्रताप सिंह ने कभी भी जो राजपूत थे, शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। और 1576 में राणा प्रताप से महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के मध्य में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। यदि हम अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत के विजय के विषय में बात करते हैं तो बहमनी राज्य के समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत का विभाजन 4 राज्यों में हो गया था, जिनमें ये प्रमुख राज्य रहे थे, अहमदनगर, खंदेश, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर ने 1591 में इन 4 ही राज्यों को इस आशय से वहां राजदूत भी भेजे थे ताकि उनको जो है शांतिपूर्वक राज्य में मिला लिया जाए, परंतु ऐसा दिखता हुआ ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि हमें यह देखने को मिलता है कि अली खां 1591 में जो है उसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु अकबर स्वयं एक विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण गया था। खंदेश के ने मियाँ बहादुर के अधीन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, अतः अकबर ने खंदेश के प्रसिद्ध दुर्ग असीरगढ़ को 1601 में जा घेरा था। उसने असीरगढ़ के दरवाजे को सोने की चाबी से खोला था। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी भी धारण की थी। वहां ये इसलिए था क्योंकि दक्षिण भारत के विजय के साथ ही हम ये देखते हैं कि संपूर्ण भारत पे अकबर का अधिकार हो गया था, और इसी के पश्चात उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यह अकबर का अंतिम विजय भी रहा था। अब यहाँ पे यदि हम अकबर के धार्मिक नीति के विषय में बात करते हैं तो वह बहुत ही सही शूनता का रहा था। अकबर के जो शिक्षक रहे थे अब्दुल लतीफ, वो उनको काफी धार्मिक उदार नीति वाले व्यक्ति रहे थे, तथा उन्होंने अकबर को भी शांति का पाठ या सुलई कुल का पाठ पढ़ाया था, जिस वजह से अकबर एक सहिष्णु शासक के तौर पे जाना भी जाता है। यदि हम अकबर के अन्य कार्यों के विषय में भी बात करें तो उसने दास प्रथा को 1562 पे यात्रा जो तीर्थ यात्राएं होती थी उस पे जो कर लगाया जाता था उसकी समाप्ति 1563 में, तथा जो जजिया कर वसूला जाता था उसे 1564 में समाप्त कर दिया था। अकबर के विषय में जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि वह बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था, तथा साथ ही साथ उसका जो जन्म था वह राजपूत घराने में रहा था, इस वजह से उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत लिबरल रहा था, और इसके ही कारण उसने जो माथे पर तिलक लगाने की जो है प्रक्रिया वह भी वो करता था या तिलक लगाता था अपने माथे पे। यहाँ पे यदि हम बात करें इसके विषय में, अकबर के विषय में अधिक, और तो हम ये देखते हैं कि उसने फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण करवाया था उसका जो डायग्राम या जो नक्शा रहा था उसको बहाउद्दीन के द्वारा तैयार करवाया गया था। अकबर के शासनकाल के समय में जो जेसुइट मिशन थी ईसाइयों की वह 3 बार आई थी, तथा यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि वो लगातार सत्य की खोज के हेतु उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, जहाँ पे हमेशा जो धार्मिक जितने भी मामले होते थे उसकी चर्चा परिचर्चा वहाँ होती रहती थी। यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हुआ करता था, जहाँ सभी ही धर्म के जो सबसे प्रसिद्ध उस समय गुरु होते थे वो आकर के वहाँ पे चर्चा किया करते थे। अकबर ने इस्लाम के मतभेदों से उत्पन्न होने वाली असुविधा से बचने के लिए उसने मजहर की घोषणा की थी, और इस मजहर को लिखने का जो कार्य था वह अबुल फजल एवं फैजी के पिता शेख मुबारक ने किया था। यहाँ पे यदि हम अकबर के धार्मिक नीति के विषय में और अधिक बात करते हैं तो अकबर ने जितने भी धर्म रहे थे उन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए उसने इसका संकलन करवाया था, तथा इसका जो नामकरण किया था उसे हम तौहीद ए इलाही के नाम से जानते हैं या दीन ई इलाही के नाम से जानते हैं। उसने हिंदुओं की जो प्रथा रही थी झरोका दर्शन की उसको भी वह जारी रखा था। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं क्योंकि उसने राजपूत नीति का भी अनुसरण किया था, इस वजह से उसने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। यदि हम बात करते हैं फतेहपुर सिकरी के विषय में तो अकबर ने इसकी स्थापना करवाई थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था क्योंकि यहीं पर उसने इबादत खाना का भी निर्माण करवाया था। 26 जून 1579 को अकबर ने फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद से स्वयं यहाँ पे उसने खुतबा भी पढ़ा था। यहाँ पे यदि इबादत खाना के विषय में हम बात करें तो इसे हम धर्म संसद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे यदि जो घोषणा की गई थी या मजहर जो पढ़ा गया था उसे जो इतिहासकार हैं वुल्सले हेग और V.A. स्मिथ उसके द्वारा उसे अचूक आज्ञा पत्र भी कहा जाता है। अकबर ने जैसा कि मैंने पहले भी कहा दीन ए इलाही को लागू करवाया था, जिसके अधीन निश्चित दिनों में जानवरों की हत्या करना का निषेध रहा था। यदि हम अकबर के धार्मिक नीति के विषय में बात करते हैं तो जो दीन ए इलाही है
उसे उसने प्रतिपादित किया था, जिसमें अबुल फजल का यह कहना है कि इसमें जितने फॉलोअर्स रहे थे दीन इलाही के वो सिर्फ 19 रहे थे, परंतु इसको लेकर के इतिहासकारों के मध्य में बहुत अधिक मतभेद है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जितने भी धर्म के लोग थे वो दीन इलाही को मानते थे, और ये एक तरह से जोड़ने का कार्य भी किया था साम्राज्य में जितने भी रहते थे आम जनता उनको। यदि हम प्रधान पुरोहित जो थे अकबर के शासनकाल के उसके विषय में यदि हम बात करते हैं, या जो धार्मिक प्रधान रहा था अकबर के शासनकाल के, वो अबुल फजल रहे थे। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल के विषय में, तो अकबर के शासनकाल में जो नौ रत्न थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे थे। यदि हम नौ रत्नों के विषय में बात करते हैं तो इनमें बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना तथा मुल्ला दो प्याजा और फैजी रहे थे। यदि हम यहाँ पे अकबर के दीन इलाही के विषय में बात करते हैं तो इसमें दीक्षा प्रदान करने का या प्राप्त करने का जो दिन फिक्स था वो संडे का रहा था, और इसमें जो प्रिय उद्घोष लिया जाता था, जो दीक्षित व्यक्ति होता था उसे अल्लाहू अकबर कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार दीन इलाही में जितने लोग शामिल थे वो सिर्फ 19 ही थे, इनमें से बिरबल जो था वो एकमात्र हिंदू था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अकबर जो है वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, इस वजह से ईसाई मिशनरीज जो हैं वो यहाँ पे आते रहते थे। अकबर के शासनकाल में तीन ईसाई मिशन महत्वपूर्ण रहे थे। यदि हम जैन आचार्यों के विषय में बात करें कि कौन कौन से अकबर के शासनकाल में प्रमुख रहे थे, तो वो थे भानचंद्र, सिद्धिचंद्र और विजय सूरी। अकबर के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया गया था, उसने बाल विवाह सती प्रथा को समाप्त करवाया था तथा विवाह का जो आयु था उसे भी निश्चित करवाया था। लड़कों के लिए विवाह का उम्र जो था वह 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। यदि हम अकबर के राजपूत नीति के विषय में बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख रहा था कि उसने राजपूत जो कन्याएं थी राजकुमारियों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं उसके वैवाहिक संबंधों के विषय में, तो अकबर ने जयपुर राजवंश के साथ जो उसकी राजकुमारी थी उससे जनवरी 1562 में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। साथ ही साथ जब वह आगरे में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था तीर्थ करने, उस समय आमेर जयपुर के शासक भारमल ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करने का यहाँ पे जो है अपना दिखाया था कि वो उसमें करवाने का इच्छुक है। कालांतर में अकबर ने उसे मरियम उस जमानी की उपाधि से भी विभूषित किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो है उसके जीवन के अंतिम दिनों के विषय में, तो जीवन के अंतिम दिनों में वह अपने पुत्र सलीम, जिसे वह प्यार से शेखू बाबा कह के पुकारता था, उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। यदि हम अकबर के मृत्यु के पश्चात बात करते हैं कि उसका जो है कहाँ पे उसका पार्थिव शरीर रखा गया था, तो वह आगरा से 5 मील की दूरी पर सिकंदरा में वहां उसे दफनाया गया था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अकबर का जो है जो पार्थिव शरीर था उसका, उसे सिकंदरा में दफनाया गया था। अब यदि हम अकबर के शासनकाल के अन्य कार्यों के विषय में बात करते हैं तो उसने सिक्के निर्माण तथा मुद्रा नीति में भी काफी अधिक कार्य किया था, जिसमें उसके द्वारा टकसालों का निर्माण भी करवाया गया था और उसने टकसाल प्रभारियों को भी नियुक्त किया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में कलात्मक और तरह तरह के सिक्कों का निर्माण करवाया गया था, इसके लिए उसने 1577 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को फतेहपुर सिकरी की टकसाल का प्रभारी नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त उसने मुजफ्फर खां को लाहौर तथा टोडरमाल को बंगाल तथा ख्वाजा शाह मंजूर को उसने जौनपुर के टकसाल का प्रभारी बनाया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसने कितने प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था, तो उसने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन प्रारंभ करवाया था। अकबर के शासनकाल में के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का का प्रचलन रहा था, जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का भी रहा था। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि अकबर के शासनकाल के समय में अन्य जो सिक्कों का प्रचलन रहा था उसमें इलाही रहा था। इलाही के विषय में यदि हम बात करें तो यह भी एक सोने का सिक्का था जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर रहा था। अन्य यदि सिक्कों की चर्चा की जाए तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का रहा था वह शंशब रहा था, जिसका भार जो था वह 101 तोले का रहा था।
इसके साथ ही साथ उसने जित्तल के सिक्कों को भी चलवाया था। अकबर ने तांबे का एक सिक्का दाम भी चलवाया था जो रुपये का 40वां भाग के बराबर होता था, तथा तांबे का सबसे छोटा सिक्का जो था वह जित्तल हुआ करता था जो एक दाम के 25 भाग के बराबर होता था। इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब के लिए ही किया जाता था। इसे फुलुस या पैसा भी कहा जाता था। आगे यदि हम और अकबर के शासनकाल में यदि मुद्रा नीति के विषय में उसकी हम चर्चा करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जो जित्तल के सिक्के थे उसे हम फुलुस या पैसे के नाम से भी जानते हैं, तथा उसके साथ ही साथ उसके शासनकाल में जो अन्य सिक्के रहे थे उनमें अधेला, पावला, दमड़ी प्रमुख रहे थे, तथा अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति को भी उत्कीर्ण करवाया था और देवनागरी में सिक्कों पर राम सिया लिखा हुआ रहता था। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगी कि दीन इलाही का जो दीक्षित होने का या दीक्षा प्रदान करने का या प्राप्त करने का जो दिन होता था वह फिक्स था और वह संडे का रहता था। जब हम इबादत खाना के विषय में चर्चा करते हैं, जिस समय वहाँ पे सभी धर्म के जितने भी गुरु थे वहाँ पे आते थे धार्मिक मामलों की चर्चा परिचर्चा करने के लिए, तो वहाँ शेख सलीम चिश्ती जो हैं वो उसके शासनकाल के सबसे प्रमुख सूफी संत रहे थे और इनका भी इबादत खाना में चर्चा परिचर्चा जो धार्मिक होती थी उसमें भाग लिया जाता था। अकबर के द्वारा उसके शासनकाल में इलाही संवत को भी प्रारंभ करवाया गया था। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था, तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह करने के लिए 200 बीघा जमीन प्रदान किया था। उसके दरबार में 2400 घंटे अग्नि प्रज्वलित होते रहती थी। अकबर के विषय में जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत ही सहिष्णु एक शासक रहा था, जिस कारण उसने हिंदू धर्म की जो प्रथाएं रही थी जैसे कि तुलादान, इसका भी प्रचलन अपने दरबार में जारी रखा था, तथा उसके द्वारा जो है पाइबॉस जैसी फारसी परंपराओं को भी आरंभ करवाया गया था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उसका संबंध सिख गुरुओं के साथ कैसा रहा था, तो अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान किया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि ईसाई जो मिशनरीज आते थे अकबर के शासनकाल में, यदि उसकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं, तो अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था, जिसमें 1580 में फतेहपुर सिकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो फादर रोडोल्फो एक्वाविवा रहे थे, तथा उसके पश्चात जो अन्य आए थे साथ में उसके प्रीस्ट जो आए थे उनका नाम रहा था फादर फ्रांसिस्को एनरिक्स तथा फादर एंटोनियो मॉन्सरात। और इसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि अकबर ने सती प्रथा को भी जो है वह प्रतिबंधित कर दिया था। अकबर ने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किए थे, जिस वजह से उसने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया था। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि मजहरनामा जो था उसे स्मिथ तथा वुल्सले हेग जैसे इतिहासकार अचूक आज्ञा पत्र के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि अकबर ने सुल्तान ए आदिल अर्थात न्यायप्रिय शासक की उपाधि भी धारण की थी। यदि हम यहाँ पे आगे और चर्चा करते हैं कि उसके इबादत खाने में कौन से प्रमुख विद्वान रहे थे, तो उसमें हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम एवं देवी रहे थे। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है। तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म से जो रिलेटेड रहे थे प्रमुख विद्वान वो रहे थे पुरुषोत्तम एवं देवी, तथा यहाँ जैन धर्म के जितने भी गुरु रहे थे उनका नाम था शांति चंद्र तथा विजय सेन सूरी और देवहरि विजय सूरी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भेड़ों और घोड़ों को भी मारने पर निषेध लगा दिया गया था। 1581 में उसने भेड़ों और घोड़ों को मारने पर निषेध लगाया था। यहाँ पे यदि और हम चर्चा करते हैं कि दीन ए इलाही जो है वह असफल क्यों हुआ था, तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि उस समय की जो तत्कालीन रूढ़िवादी परिस्थितियां रही थी, जिस वजह से दीन ए इलाही जो है वह असफल रहा था। अब यहाँ पे यदि अकबर के द्वारा बनाए गए जितने भी निर्माण कार्य थे यदि और वास्तुकला के क्षेत्र में उसके योगदान की हम चर्चा करते हैं, तो आगरा में उसने आगरे के किला का निर्माण करवाया था, तथा उसने जहांगीर महल का निर्माण आगरा में, अकबरी महल का निर्माण आगरा में, जहांगीरी महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में,
दीवाने आम का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, दीवाने खास का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, पंच महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में तथा इलाहाबाद के किला का निर्माण भी उसने करवाया था, जिसे इलाहाबाद में बनवाया गया था, लाहौर का किला लाहौर में तथा तुर्की सुल्तान का जो महल था उसे फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उसके द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए थे। अकबर के द्वारा यदि हम अन्य जितने भी निर्माण कार्य हुए थे उसकी चर्चा हम करते हैं तो मरियम का महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, जामा मस्जिद का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, इस्लाम शाह का मकबरा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण फतेहपुर सिकरी में तथा अगर हम अकबर के द्वारा निर्मित पहली इमारत के विषय में बात करें तो यह हुमायूं का मकबरा रहा था। इसका जो निर्माण हुआ था इसका सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जो विशेषता रहा था वह यह रहा था कि ये उभरी हुई दोहरी गुंबद जो का पहला ये उदाहरण भी रहा था। यदि हम यहाँ पे अकबर के शासनकाल में चित्रकारी के विषय में बात करते हैं तो उसके शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार रहे थे वह दसवंत रहे थे तथा उन्हें पथरम अग्रणी चित्रकार के तौर पे भी जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में जो दसावंत थे वो उनके समय के प्रथम अग्रणी चित्रकार रहे थे तथा उनकी कृति रज्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील के पत्थर के तौर पे याद किया जाता है। यदि हम अन्य चित्रकारों के विषय में बात करें तो चित्रकार जो थे बसावन व अकबर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार रहे थे। वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भू दृश्यों के चित्रण में विशेषज्ञ रहे थे। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में कार्यों के विषय में तो हम ये देखते हैं कि तारे की अकबरी जो है वह फारसी भाषा में लिखित थी तथा इसके जो लेखक रहे थे वो आरिफ कंधारी रहे थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो साहित्य के क्षेत्र में काम हुआ था वह अकबरनामा रहा था। यह भी फारसी भाषा में लिखी गई थी तथा इसके लेखक अबुल फजल रहे थे। अन्य यदि साहित्य के क्षेत्र में कार्यों के विषय में हम बात करते हैं तो वह तबाकते ए अकबरी रहा था। यह भी फारसी भाषा में लिखित थी तथा इसके जो लेखक रहे थे वो निजामुद्दीन अहमद रहे थे। अब यहाँ पे यदि हम संगीत के क्षेत्र में अकबर के कार्यों के विषय में बात करते हैं तो अकबर खुद भी नकारा बजाने में प्रवीण रहा था तथा साथ ही साथ उसने लाल कला नामक संगीतज्ञ से हिंदुस्तानी शैली का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। अकबर के शासनकाल में 36 श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहे थे जिन्हें राजाश्रय प्राप्त हुआ था। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बाज बहादुर दोनों प्रमुख या सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे थे। अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तानी और इस्लामी संगीत की शैलियों का समन्वय भी हुआ था। तानसेन को उन्होंने कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। यदि हम बात करते हैं ध्रुपद गायन शैली के विषय में तो इसकी चार जो शैलियाँ थीं वो प्रचलित रही थीं जिनमें प्रमुख था नुहार वाणी, खंडार वाणी, गोहरहारी और डागुर वाणी। तथा इसके पश्चात हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में अन्य यदि इस क्षेत्र में हम कार्यों के विषय में बात करते हैं तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन रहा था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि से नवाजा था। यदि साहित्य के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो तबाकत ए अकबरी जो था यह बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी या पुस्तक रही थी जिसका लिखने का कार्य अकबर के शासनकाल में हुआ था। यह पुस्तक 9 भागों में विभाजित है और इसके जो लेखक रहे थे वो निजामुद्दीन अहमद रहे थे। अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग का भी जो है निर्माण किया गया था जिनमें प्रमुख रहा था महाभारत का अनुवाद और रामायण का अनुवाद। यदि हम महाभारत के अनुवाद के विषय में बात करते हैं तो इसके जो अनुवादक रहे थे वह नकी खान, बदायूं, अबुल फजल रहे थे और फैजी साथ ही साथ में। तथा यदि हम रामायण के अनुवाद के विषय में बात करें तो इसके अनुवादक प्रमुख तौर पे बदायूनी रहे थे। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्म शंकर ने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत का एक शब्द कोश तैयार किया था जिसका नाम फारसी प्रकाश था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अकबर के द्वारा बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि भी दी गई थी और साथ ही साथ अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को महापात्र की उपाधि भी दी थी। अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी।
अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अकबर के शासनकाल की, तो इसमें उसके द्वारा जो लागू की गई थी प्रथा मनसबदारी की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मनसबदारी प्रथा जो है वह न ही सैन्य सेवा को दर्शाता था बल्कि असैन्य सेवा को भी दर्शाने का कार्य करता था। क्योंकि जितने भी मनसबदार थे उन्हें अलग अलग रैंक या पद प्राप्त थे, और 5,000 से ऊपर का जो मनसब होता था वह प्रदान किया जाता था राजकुमारों को, और उसी प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रैंक वाइज उनका समाज में उसी प्रकार से स्थान भी होता था। मनसबदारी प्रथा के अधीन जो है दो पद जो रहे थे जात और सवार का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जब हम मनसबदारी प्रथा के विषय में बात करते हैं तो मनसबदारी प्रथा जो रही थी वह अकबर के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने का भी कार्य किया था। अकबर को जो है अबुल फजल ने इंसान ए कामिल की उपाधि भी दी थी। अब यहाँ पे यदि हम अकबर के शासनकाल के समय में भू राजस्व प्रणाली के विषय में बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके शासनकाल में फोर एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि लगातार जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं के समय में प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था और राजकोष भी बिल्कुल खाली था, तो उसको भरने के लिए अकबर के द्वारा जो है चार एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि लगातार वो अब यहाँ पे लोगों की नियुक्ति कर रहा था कि किस प्रकार से भू राजस्व प्रणाली जो है उसमें प्रगति लाई जा सके। तो फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट किया गया था यहाँ पे दीवान के तौर पे वह रहा था एतमाद खान का, जिसकी नियुक्ति 1563 में रही थी। सेकेंड मुजफ्फर खान, जिसकी नियुक्ति 1566 में हुई थी। थर्ड शियाबुद्दीन अहमद का, जिसकी नियुक्ति 1569 में हुई थी। और फोर्थ टोडरमल का, जिसकी नियुक्ति 1570 में हुआ था। ये तीनों ही जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स रहे थे वह असफल साबित हुए थे, क्योंकि भू राजस्व को नापना, उसको निर्धारित करने का प्रयास इनके द्वारा बहुत अधिक किया गया था, परंतु बहुत अधिक सफलता हमें देखने को नहीं मिलती है। परंतु टोडरमल के अधीन हमें यह देखने को मिलता है कि साम्राज्य को जो है वह दस्तूर में विभाजित भी किया गया था, तथा 10 सालों के आधार पे कि हर एक जो भू भाग है या जो दस्तूर है वह किस प्रकार से वहाँ पे 10 सालों के अंदर में कितना कर वो दिया है, हर एक दीवान जितना था जो विभाजन रहा था उसके अधीन उसको निर्धारित करते हुए करों को एक निर्धारण उसका किया जा सका था इसके पश्चात कि हर एक क्षेत्र से और दस्तूर से उसे कितना कर प्राप्त होगा। और इसके लिए टोडरमल ने एन ई दशाला का जो है यहाँ पे इसको स्थापित करने को, या फिर जो ये सिस्टम है इसको प्रारंभ करने का कार्य किया था, और ये 1580 में हुआ था। यहाँ पे एक उल्लेखनीय जो तथ्य हमें देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व प्रणाली से जो संबंधित रही थी, कि उसने जो भूमि थी उसे चार प्रकार में बांटने का कार्य किया था। पहला था पोलज, जिसमें कि लगातार हर एक वर्ष खेती होती रहती थी। परौती, जिसमें 1 साल या 2 साल छोड़ करके इस पर खेती की जाती थी ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। थर्ड था चाचर, जिसमें कि 3 से 4 साल जो है उसको छोड़ दिया जाता था खेती करना उस भूभाग पे, ताकि यहाँ पे जो है खेती दोबारा करने लायक वो भूभाग बन सके। और लास्टली था बंजर, बंजर जो था बंजर में, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो भूमि नाम से यहाँ क्लियर होता है कि उस पर खेती करना बहुत संभव नहीं था, परंतु फिर भी 5 साल तक ऐसे जो भूमि थे उस पर खेती नहीं की जाती थी, परंतु इसके पश्चात 5 वर्षों के पश्चात ये भूमि खेती लायक योग्य हो जाती थी और इस पर खेती की जाती थी, और इसी के आधार पे कर का जो निर्धारण है वो भी किया जा सका था। अकबर के शासनकाल में यदि उसके प्रशासनिक तंत्र में क्या उसका योगदान था उसकी चर्चा यदि हम करते हैं तो इसमें भू राजस्व प्रणाली भी उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मनसबदारी प्रथा के विषय में, तो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई थी ताकि जो है इसको सैन्य व्यवस्था को सुनियोजित किया जा सके, और इसके लिए उसने डेसिमल सिस्टम या दशमलव जो पद्धति है उसके आधार पे इसकी आधारशिला रखी थी। जो डिवीजन ऑफ रैंक्स था वो 10 से प्रारंभ होता था और 10,000 तक जाता था। साथ ही साथ अगर हम इसकी स्थापना के विषय में बात करते हैं तो 1577 में इसकी स्थापना हो पाई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि मनसबदारी प्रथा के अधीन जो है दो रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, एक तो जो जात का जो पद रहा था और दूसरा सवार का। यदि हम जात के विषय में बात करते हैं तो आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यह व्यक्तिगत दर्जा था, परंतु इससे पता चलता है कि मनसबदार को कितनी संख्या में हाथी घोड़े तथा सामान रखने होते थे। यदि हम सवार पद के विषय में बात करें तो इससे दर्जे का बोध होता था, मनसबदार को कितनी संख्या में घुड़सवार रखने हैं। 5,000 और उसके नीचे की
प्रत्येक मनसब में तीन श्रेणियां भी हुआ करती थी, जिसका विभाजन तीन कैटेगरी में जो किया गया था, जिसे हम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। प्रथम श्रेणी में वैसे मनसबदार आते थे जिनकी जात व सवार की जो पद है वो बराबर होते थे, ये प्रथम श्रेणी में आते थे। द्वितीय श्रेणी में यदि सवार दर्जा जो है जात दर्जे से कम होता था परंतु आधे से कम नहीं होता था, और थर्ड जो श्रेणी था यदि सवार दर्जा जात दर्जे से आधे से कम होता था या बिल्कुल भी नहीं होता था तो वो तृतीय श्रेणी में आता था। तो यहाँ पे जो ये डिविजन हम लोगों को देखने को मिलता है मनसबदारी प्रथा में, एक तो ये जात और सवार का पद को लेकर के, और साथ ही साथ ये जो श्रेणियों में विभाजन जो था, ये मनसबदारी प्रथा के अधीन जो रैंक्स था और समाज में जो उनकी स्थिति रही थी या जो दर्जा रहा था उसको दर्शाने का कार्य करता था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं जहांगीर से लेकर के औरंगजेब तक के शासनकाल के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस वीडियो में मैंने बाबर से लेकर के अकबर के शासनकाल तक की चर्चा की है। मेरा यह प्रयास रहा है कि इस वीडियो में मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं बाबर, हुमायूं और अकबर से रिलेटेड, उसका समावेश अपने इस वीडियो में कर सकूं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो मुगल काल पर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।